स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं ग्वालियर की खबरों की ओर। ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार के 25 सदस्यों ने पीएम मोदी सहित प्रशासनिक अफसरों को पत्र लिखकर मुस्लिम धर्म अपनाने की बात की है। इस परिवार के इस पत्र के बाद प्रशासनिक इलाकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल ग्वालियर की पूजा विहार कॉलोनी में रहने वाला अजय शर्मा का परिवार पड़ोस में रहने वाले हिंदू परिवार की धमकियों से इतना परेशान हो गया है कि पूरे परिवार ने पत्र लिखकर इस्लाम धर्म अपनाने की बात तक कह डाली। परिवार के मुखिया का कहना है कि पड़ोसी हिंदू परिवार STSC एक्ट के तहत फंसाने की धमकी देता है। अब मुस्लिम बनने के बाद मुस्लिम ही हमारी मदद करेंगे। अब ब्राह्मण परिवार का ये पत्र सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी हरकत में आए हैं। अफसरों का कहना है कि ब्राह्मण परिवार की समस्या सुलझा दी गई है। आवेदन यही दिया है कि हम लोग जो 25 लोग हैं हमारे परिवार में, अगर हमें प्रशासन सहायता नहीं देता या कहीं से भी सहायता नहीं मिलती है, हम लोग 25 लोग पूरे परिवार या तो मुस्लिम धर्म अपना लेंगे जो हमें सहायता प्रदान करेगा, या फिर हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे हमें पूरे परिवार के साथ में। मैं इसलिए ऐसा चाहता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, यहाँ पे बहुत परेशान हैं हम लोग। इस परिवार से जो उम्रीय परिवार है उसे बहुत परेशान है, आए दिन गाली गलौज सुनना, धमकी सुनना और हरियाणा की धमकी। ये 3 दिन पुराना प्रकरण था जिसमें एक ये पत्र दिया गया था, जिसमें CSP और एडिशनल SP ने बैठ के समझाइश दी है और सिर्फ एक आशंका के चलते इन्होंने पत्र दिया था। बाद में उन्होंने उसको क्लैरिफाई करते हुए एक दूसरा पत्र भी दे दिया है।